Okay. अभी आपको एक सरप्राइज दिखाता हूं एक बड़ा होम सिनेमा okay. जो अराउंड आप गैस करेंगे कितने रेंज का है

तो आपसे बेटर पर्सन तो मुझे कोई मिला नहीं तो थोड़ा सा बताइए एक्चुअली क्या है कैसे मुझे क्या करना चाहिए काफ़ी ज़रा कन्फ्यूज़न है एक्चुअली जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर भी होम थिएटर है लेकिन वो जो इफैक्ट और वो सब चीज़ें हैं ना जो एनालिसिस करने के बाद में पता चली तो वो समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मुझे तो so, ये जो एक्सपीरियंस सेंटर है हम इसे जनरली लिविंग रूम बेडरूम्स में इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी एक प्रॉपर होम थिएटर है जिसमें आप देख सकते हैं हमने एक प्रोजेक्टर स्क्रीन रखी हुई है और यहाँ पे आपकी ये साउंड सिस्टम लगी हुई है और आपका जो होम थिएटर का मेन हार्ट है वो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे, पे यामा का प्रोसेसर लगाया हुआ है ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों मैनेज करता है तो थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे जी yes? जरूर श्योर sure. so... सो so, अभी मैं आपको एक कोई भी नॉर्मल एक मूवी क्लिप प्ले करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके कि ये होम थिएटर में साउंड किस तरह से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो so, दोस्तों ये जो साउंड एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था यानी कि जो अभी फिलहाल मेरे घर पे जो लगा हुआ है उससे कई गुना बेटर साउंड एक्सपीरियंस लगा

इसके अलावा और अपने पास में क्या है जैसे कि ये तो एक लिविंग रूम के हिसाब से हो गया ठीक है इसके अलावा और जैसे अगर, अगर आपके पास एक रूम है स्पेशल रूम है एम रूम है उसमें आप डेडिकेटेड होम थिएटर बना सकते हो okay. जिसे हम कहते हैं ट्रीटेड रूम जिसमें हमने पूरा साउंड ट्रीटमेंट किया हुआ है okay. और उसमें इससे भी बेटर हम साउंड का एक्सपीरियंस विजुअल एक्सपीरियंस दे सकते है, okay. तो हैं तो आइए देखते हैं ये तो एकदम बहुत जबरदस्त रूम आपका थिएटर क्या है इसके बारे में बताओ थोड़ा सा सो so, ये बेसिकली एक साउंड ट्रीटेड रूम है स्पेशली होम थिएटर रूम इसको हम बोलते हैं होम थिएटर रूम है ये प्रॉपर डेडिकेटेड होम थिएटर रूम है ओके okay. और इसमें आप देखेंगे तो पूरा साउंड कंट्रोल किया गया है यानी हर एक वॉल सीलिंग और फ्लोर हर एक चीज को हमने कंट्रोल किया है यानी जैन यानी हम जब लाउड म्यूजिक इसमें प्ले करते हैं या मूवी देखते हैं तो इसका इफेक्ट्स हमें बेटर वे में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ओके okay, और ये सो so, ये 4K प्रोजेक्शन स्क्रीन है आ, और ये अकोस्टिक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है इसके पीछे भी स्पीकर लगे हुए है, okay, इसके पीछे 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 speakers speakers हैं हुए है। ये अकोस्टिक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है अगर आप इसको फेब्रिक देखेंगे तो ये पूरा वोवन फेब्रिक होम थियेटर में एस्थेटिक की डिमांड होती है कि हमें एक भी स्पीकर विजिबल नहीं चाहिए okay. तो मेरे स्पीकर स्क्रीन के पीछे आ जाएंगे okay. और सराउंड में में स्पीकर्स से जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट किया हुआ है तो इसके पीछे आ जाएंगे चलिए चलो इसका भी सुनते हैं एक एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा क्या है

सो एक्सपीरियंस तो बहुत ही जबरदस्त था एक्चुअली इसकी क्या कॉस्टिंग जाएगी करीबन अगर ऐसा मैं बनाऊ अपने घर पे आठ बाई दस का रूम होगा करीबन मेरे पास में तो भरत ये डॉल्बी एटमोस सेटअप है हाँ. और जनरली अभी हम थिएटर में डॉल्बी एटमोस सेटअप करते हैं सो डॉल्बी एटमोस सेटअप आपकी ये रूम साइज में अराउंड थ्री लैक्स से होता है और जनरली हम अगर हायर एंड तक जाते हैं तो अराउंड फाइव लैक्स तक ये हम डॉल्बी एटमोस थिएटर डिजाइन कर सकते हैं कितने तक जाएगा ये करें सो थ्री लैक्स टू अराउंड फाइव लैक्स तक के रेंज में तो इसमें इंटीरियर भी आ गया है, फिर इंटीरियर डेफिनेटली इंटीरियर आपका एक अलग ऑप्शन होता है इसमें okay. हमारी थोड़ी ज्यादा इनपुट होती है कि इस तरह से डिजाइन चाहिए सिलेक्शन okay. फेब्रिक्स का तो उसका रेंज अराउंड आपका 400 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड रनिंग फुट में होता है तो करीबन दस के में लग so, जाएगा? से दो लाख के रेंज में आपका मतलब डॉल्बी तो अच्छा एटमोस तो होम थिएटर बन सकता है घर में बन सकता है और क्या है चलो हमने अभी आपने लिविंग रूम सेटअप देखा आपने एक स्मॉल टू मीडियम साइज का होम थिएटर देखा अभी आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ एक बड़ा होम

रिक्लाइनर्स बड़ी सी स्क्रीन और इसका भी एक्सपीरियंस है वो कैसा होगा अभी हम लोग हेमंग भाई से ज़रूर वो सब चीज़ें देखेंगे चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ हेमंग भाई तो फिर ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज हो गया हमारे लिए बताइए एक बार ये कैसा एक्सपीरियंस रहेगा भरत आपको अभी मैं सिनेमा का वो सीन दिखाता हूँ जो okay. आरआरआर मूवी में है और उसने काफ़ी पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है वो तो आप जानते ही हो तो अभी आप देखते हैं और सुनते हैं मेरे थिएटर का सबसे बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस तो so गाइस एक्चुअली अभी ऐसा लग रहा है जैसे आरआर मूवी को भी अभी रिलीज हुई है और मैं थिएटर में देख रहा हूँ बहुत ही मजा आ रहा है तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पर हम लोगों को तो फिर एक्चुअली जब आपने इतना सरप्राइज कर ही दिया तो प्राइस के बारे में बता दीजिए कि ये जो पूरा बना है वो कितने तक में बन जाता है देखिए एवरेज ये एक जो थिएटर है इसको हम डिफाइन करते हैं सिनेमा और ये ऑलमोस्ट थर्टी बाई सिक्सटीन का रूम है थर्टीन बाई सिक्सटीन का अगर पूरा हमें थिएटर सेटअप करना है तो अराउंड ट्वेंटी फाइव लैक्स तक का बजट हो सकता है ओके पच्चीस लाख तक का ये बजट है ये प्रॉपर डॉल्बी एटमोस सिनेमा है इसको हाँ, मतलब एक्चुअली वो तो बट है क्योंकि मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर पे बैठा exactly. <laughs> राइट मुझे ऐसा ही लग रहा है मैं थिएटर में बैठा हूँ नहीं इसके अंदर एक दो तीन चीजें और है जैसे की एक ये सब चीजें लगाई हुई ये सब क्या है तो ये एक्सपोज एक ट्रीटमेंट है और अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ये डिफ्यूजर्स हैं क्यू आर डी डिफ्यूजर है ये एबजॉर्प्शन हैं और इस ये से जो साउंड हम लोगों को जो इतना जबरदस्त लग रहा है वो हम साउंड को प्रॉपर ट्रीट करते हैं जानते हैं इस रूम में कहाँ तकलीफ है साउंड की की और उसको, हम ये सब से उसको करते इसमें अगर आ, स्पीकर और इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें छे सबूफ लगे हैं और ये मैसिव फाइव इंच की स्क्रीन है और इसमें टोटल 19 सराउंड स्पीकर लगे हुए हैं और इसका जो इक्विपमेंट कंट्रोल रैक है वो मैं आपको दिखाता हूँ भरत so, ये आ, सिनेमा का पूरा प्रॉपर रैक है जिसमें हमने पावर कंडीशनर रखे हैं इसमें मेरा सिनेमा प्रोसेसर है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी रखा हुआ है okay. और ये पूरे पावर ये सब इसमें लगता है ये एक प्रॉपर सिनेमा डिजाइन करना है तो हमें ये सब इक्विपमेंट्स लगती है ओके okay. इतने सारे इक्विपमेंट इतने है मतलब। सारे इक्विपमेंट यानी कि इतनी जाती है। exactly, sir. That's great. So, काफी मजा आया आपके साथ में बात करके और ये पूरा का पूरा जो बताना चाहूंगा कि अगर आप भी से करना चाहते हैं एक्चुअली जहां तक मुझे आइडिया है कि आप पेन इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं exactly, तो sir. आप कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज आप पूरा टर्न एंड की वो भी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी जो कंपनी डिटेल है वो uh कम्प्लीटली -huh जाएगी अगर आप भी ऐसी कोई कंसल्टिंग करवाना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये पूरा कस्टमाइज सॉल्यूशन है अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आप ये पूरा प्रोजेक्ट जो है अगर ये पूरा थिएटर अपने घर पर बनवाना चाहते हैं तो भी आपको ए टू जेड सभी चीज़ें आपको इनके यहाँ से मिल जाएगी सो आप जरूर इनको अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो कांटेक्ट करिएगा मुझे लगता है कि आज का ये थोड़ा सा डिफरेंट एक टॉपिक था हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा कि किस तरह से हम लोग होम थिएटर को डिजाइन करते हैं या फिर क्या क्या चीजें हम लोगों को लगती है और कितनी कॉस्ट होती है तो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी नए गैजेट्स और नई चीजों के साथ में तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद जय हिंद